दोस्तों, अगर आप भी सफ़ेद बालों से परेशान हैं, बाल आपके समय से पहले सफ़ेद होते जा रहे हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही सिंपल से रेमेडी, जिसे आप इस्तेमाल कीजिएगा तो बालों का सफ़ेद होना कम होगा। साथ ही साथ अगर आपके बालों में डेंड्रफ हो गई है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो वो भी आपके रिड्यूस होंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्वेती, वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल सा घरेलू रेमेडी शेयर करूंगी, जिसे आप इस्तेमाल कीजिएगा तो आप खुद देखिएगा आपके जो बाल होंगे वो जड़ से धीरे धीरे काले होते जाएंगे और आपके जो बाल होंगे वो हेल्दी भी बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसे बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे तवा ले लूँगी। हम लोग को यहाँ पे कोई भी आयरन का यानी कि लोहे का ही बर्तन का इस्तेमाल करना है, तो मैंने यहाँ पे तवा ले लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी टर्मरिक का यानी कि हल्दी। हम लोग जो किचन में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, उसी हल्दी का हम लोग को यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो हम लोग को यहाँ पर एक चम्मच हल्दी ले लेना है और इसे धीमे आँच में हमें हल्का हल्का रोस्ट करते जाना है। जैसे जैसे आप रोस्ट कीजिएगा, आप देखिएगा इसका जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज होते जाएगा। हल्दी दोस्तों हमारे हेयर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। हल्दी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, साथ ही साथ इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ हो गई हो तो उससे वो रिड्यूस करता है और हमारे बालों को नेचुरली ब्लैक बनाने में हेल्प करता है। तो हम लोग को इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। आप यहाँ पर देख रही है डार्क ब्राउन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर दूसरी चीज़ इस्तेमाल करेंगे, कॉफ़ी का। कॉफ़ी भी दोस्तों बहुत ही बेनिफिशियल होता है, हमारे हेयर को नेचुरली कलर करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो मैं यहाँ पे एक चम्मच कॉफ़ी ले लूँगी और इसे डाल के हम लोग को इसे भी हल्के हल्के रोस्ट कर लेना है। आप जब इसे डालिएगा तो ये हल्का सा गुठली टाइप का बन जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, इसे हल्दी में ही मिक्स करते हुए इसे भी अच्छी तरह से हम लोग को रोस्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल। सरसों तेल दोस्तों सदियों से इस्तेमाल किया जाता है। हमारी जो दादी नानी थी वो भी अपने बालों पे सरसों तेल का ही इस्तेमाल करती थी। ये हमारे बालों को अंदर से नेचुरली ब्लैक बनाने में हेल्प करता है, बालों को स्ट्रांग बनाता है और साथ ही साथ बालों को सिल्की और शाइनी बनाता है। तो हम लोग को यहाँ पर ले लेना है एक चम्मच सरसों का तेल, ऐसे डाल के इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हम लोग को ये सारा काम जो है वो धीमे आँच में ही करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा पानी और पानी डालने के बाद इसे हम लोग इसमें मिक्स करना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हीना का यानी कि मेहंदी। हीना के बारे में दोस्तों आप सभी को ही जानते हैं, ये हमारे बालों को कलर करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हम लोग को यहाँ पे डाल देना है दो चम्मच हीना का और इसे डाल के इसे भी अच्छी तरह से हम लोग को इसमें मिक्स कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया और यहाँ पर इसका आप कलर भी देख सकते हैं, ये हल्का सा ब्लैकिश कलर में आपको यहाँ पर दिख रहा है। मैं आपको यहाँ पर इसका टेक्स्चर दिखला दे रही हूँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख लीजिए। ये दोस्तों जो रेमेडी बन के रेडी हो रही है, ये हमारे बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आपके बालों को जड़ से काला करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आपके बाल समय से पहले सफ़ेद होते जा रहे हैं तो उसे वो रिड्यूस करेगा और आपके बालों को एक नेचुरली कलर देगा। मार्केट में दोस्तों जो महंगा महंगा आप डाई खरीदते हैं, उससे क्या होता है, जब आप अपने बालों पे कलर करते हैं पहले तो एक बाल सफ़ेद रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप अपने बालों पर डाई का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही वैसे आपके बाल बहुत ज़्यादा वाइट दिखने लग जाते हैं। लेकिन ये घर का बना हुआ बिल्कुल नेचुरल कलर है जो आपके बालों को बिल्कुल नेचुरली कलर करता है और आपके बालों में जो वाइट हेयर की समस्या उसे भी वो कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो हम लोग को इसे अच्छे तरह से मिक्स करके इसे ऐसे ही छोड़ देना है कम से कम दो घंटा के लिए। दो घंटा के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब हम लोग को एक कंटेनर ले लेना है और इस मिक्सचर को हम लोग एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी थोड़ा सा पानी। आप देख लीजिएगा इसको क्वान्टिटी, मैं यहाँ पर 3 से 4 चम्मच पानी डाल दे रही हूँ और डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगी ताकि मैं इसे अच्छी तरह से अपने बालों पर अप्लाई कर पाऊँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये घर का बना हुआ बिल्कुल नेचुरल कलर बन के रेडी हो गया। ये आपके बालों को सफ़ेद होने से रोकता है। अगर आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं तो इसका आप इस्तेमाल कीजिएगा तो आप खुद देखिएगा आपके जो बाल होंगे वो नेचुरली ब्लैक होना स्टार्ट होंगे। साथ ही साथ ये आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाता है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ हो गया है तो उसे भी वो कंट्रोल करता है। तो ये रेमेडी दोस्तों बन के रेडी होगी। इस रेमेडी को बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इसे अपने बालों पर अच्छी तरह से अप्लाई करना है और आधा घंटा के लिए अपने
बालों पे छोड़ देना। आधा घंटा के बाद आप जैसे नॉर्मल शैम्पू करते उस तरीके से अपने बालों पर शैम्पू कर लीजिए। आप खुद देखिए आपके जो बालों में है वो नेचुरली कलर होगा, आपके जो बाल होंगे वो धीरे धीरे नेचुरली ब्लैक होने लग जाएंगे। तो आप इस रेमेडी को जरूर इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल करने के बाद आपको क्या करना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि ये रेमेडी आपको कैसी लगी। आशा करती हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ इसी तरह से हेल्पफुल रेमेडी से, तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए। बाय बाय दोस्तों, लव यू, टेक केयर।